तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मैं आपके लिए एक रियल में फैन लेके आया हूँ। तो ऐसा कंटेंट बनाने के लिए बच्चों बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये सेलिंग फैन है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द एज ऑफ द थ्री ब्लेड्स, ठीक है ना। तो डायमीटर है, डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर इधर भी, तो डायमीटर डी की वैल्यू है 120 सेंटीमीटर। तो और जो रेडियस आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगा, वो आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 0.6 मीटर। चलो ठीक है, आरपीएम दिया हुआ है, रिवोल्यूशन, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट कितना है, 150 फुल स्पीड रिवोल्यूशन है। तो रिवोल्यूशन पर सेकेंड कितना हो जाएगा, तो 150 और डिवाइडेड बाई 60, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 25 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, या ये क्या है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड कुछ नहीं है, ये बच्चों फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 25 हर्ट्स। तो यह आ जाएगी फ्रीक्वेंसी और ये आ जाएगा अपना रेडियस। और देखो डेटा, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। अब ये जो पार्टिकल है, जो ब्लैक कलर का, ये मास सर्कल में घूमेगा और इस टाइप के सर्कल में यहाँ रोटेट करेगा, इस टाइप के सर्कल में ये घूमेगा। जब फैन चलेगा तो इस टाइप के सर्कल में ये पार्टिकल घूमेगा बच्चों। तो ये कहता है हाउ मच फोर्स इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन एट द फुल स्पीड। तो पहला 3 पार्ट है, और हु एग्जर्ट दिस फोर्स ऑन पार्टिकल। तो सबसे पहले ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा। तो देखो, इस प्रॉब्लम को करने के लिए दो, ये क्या है, हम ग्राउंड के फ्रेम से देख लेते हैं, और एक होता है कि फैन के फ्रेम से देख लें। तो अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम से देखता हूँ तो इस पार्टिकल पे, ठीक है ना, एक फोर्स लगेगा इधर जो कि फ्रिक्शन होगा, क्योंकि भाई अगर ये सर्कल में चल रहा है तो सर्कल में चलने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है इसको, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, तो फ्रिक्शन ही तो देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, mv² / r, ठीक है ना। दूसरा तो ये, और दूसरा बात यह है कि ये कौन फोर्स, हु अप्लाई दिस फोर्स, तो ये जो फ्रिक्शन है वो उस पर कौन लगा रहा भाई। तो फ्रिक्शन जो है, ये जो फैन है, जो फैन का ब्लेड है, यही लगा रहा है इस पे, पार्टिकल पे फैन का ब्लेड ही तो लगा रहा है। चलो तो दूसरा ये हुआ कि अगर इसको तुम यहाँ से एनालिसिस करते हो, इसी पे चढ़ के नॉन इनर्शियल फ्रेम इसी पे चढ़ के देखो, अब तुम क्या करोगे, अब इस पे 2 फोर्स लगाओगे, ठीक है। एक तो फ्रिक्शन तो लगेगा, लेकिन इसके अलावा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर इधर की, ये सेंट्रीपिटल नहीं लगाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा mv² / r। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कौन लगा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर ये बोलेगा, जो बी ऑब्जर्वर है ये बोलेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई नहीं लगा रहा है, अभी भी इस पार्टिकल पे रियल में एक फोर्स लग रहा है और एक सूडो लग रहा है, ठीक हो। तो सूडो तो कोई लगा नहीं रहा, हम लगा रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स, अपनी सुविधा के अनुसार लगा रहे हैं। तो कुल मिला के अभी भी एक ही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, वो कौन लगा रहा है, ब्लेड लगा रहा है, लेकिन ये सूडो लगाएगा यार, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो सूडो ये आदमी लगाया और फ्रिक्शन ब्लेड लगाया, ठीक है। तो चलो, तो दोनों के अकॉर्डिंग सोल्यूशन सेम है। तो बेसिकली अगर मैं इसकी वैल्यू चाहता हूँ, तो इसकी वैल्यू चाहने के लिए फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं mr⍵ का स्क्वायर। तो अब यहाँ से तुम देखोगे तो सबकी वैल्यू डाल दो, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो mr⍵ = 2π फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो 2π फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आ जाएगा, तो 4π² फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और मास और ये रेडियस। तो ये अगर तुम बात करोगे, सबकी वैल्यू डाल दो, तो 4 और ये 3.14 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी कितना था, 25 का स्क्वायर, मास कितना था, पार्टिकल का मास देखो कितना था, तो मास 1 ग्राम था। तो ऑब्वियसली
जो मास दिया हुआ था 1 ग्राम था, तो 1 ग्राम मतलब 0.001 kg, ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.001 kg मास, और रेडियस था 0.6। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो फ्रिक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाती है 14.8 न्यूटन। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, दिस इज़ द पार्ट ए, एंड हु अप्लाई दिस फोर्स, बेसिकली बेसिकली बी, हु अप्लाई दिस फोर्स, फैन ऑफ ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है ना, तो ब्लेड ऑफ फैन अप्लाई दिस फोर्स, अप्लाई दिस फोर्स, ठीक है ना, जो फोर्स है वो फ्रिक्शन ऑब्वियसली यही लगा रहा है। चलो दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, पार्ट टू। तो पार्ट टू ये कह रहा है कि यहाँ से देखो कि हाउ मच डज द पार्टिकल एग्जर्ट फोर्स ऑन द ब्लेड, तो ब्लेड के सरफेस पे पार्टिकल कितना फोर्स लगाएगा, तो पार्ट सी। तो देखो अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, तो अगर ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो इस पार्टिकल पे देखोगे तो ये पार्टिकल फैन पे कितना लगाएगा, तो जितना फैन इस पे लगाएगा उतना ही लगाएगा। तो फैन अगर इस पार्टिकल का एफबीडी देखोगे तो इस पार्टिकल पे जो फ्रिक्शन है वो इधर की साइड आएगा और नॉर्मल ऊपर की साइड आएगा, ठीक है। तो जो ब्लेड है, ये जो ब्लेड है, तो ब्लेड का अगर एफबीडी देखोगे तो ये, तो ब्लेड का एफबीडी देखोगे तो ब्लेड पे जो फ्रिक्शन है वो इधर की डायरेक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन लगा था वो ब्लॉक पे लगा था। भाई कौन लगाया था? ब्लेड लगाया था ब्लॉक पे, ठीक है। तो ये कौन लगा रहा है? बाई ब्लॉक ऑन ब्लेड, ठीक है। और दूसरा जो फोर्स है वो नॉर्मल जो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, ठीक है ना, और नॉर्मल ऐसे। तो इस पे देखो फ्रिक्शन ऐसे ब्लॉक ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऐसे आएगा और ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर आएगा, और फैन पे अगर देखोगे तो फैन पे फ्रिक्शन ऐसे आएगा और फैन पे नॉर्मल ऐसे आएगा। तो रिजल्टेंट अगर नेट फोर्स देखोगे फैन के ब्लेड पे तो इधर की डायरेक्शन में आएगा। तो नेट फोर्स अगर देखोगे फैन के ब्लेड पे तो इधर की डायरेक्शन में आएगा, और इस नेट फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी, नेट फोर्स वो फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल के स्क्वायर के इक्वल आएगा अंडर रूट, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बेसिकली ये है। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ से नो नेट फोर्स ऑन ब्लेड ब्लेड बाय ब्लॉक, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली नॉर्मल की जो वैल्यू है वो एम जी के इक्वल है, मास 0.001 है, और मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से कर दूं तो ये आ रहा है 0.001 न्यूटन आ जाएगा। एक मिनट, ये आ जाएगा 0.01, इतना न्यूटन आ जाएगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट किए थे 14.8 न्यूटन, तो यहाँ से जो नेट फोर्स की वैल्यू देखोगे तो आ जाएगा 14.8 का स्क्वायर और प्लस 0.01 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, दैट इज़ ये वाली वैल्यू, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, नेगलेक्ट कर दो इसको, नेग्लिजिबल है, नेगलेक्ट स्मॉल है, बहुत छोटा स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू, तो इसके कंपेयर में स्मॉल है। तो बेसिकली जो नेट फोर्स है वो आ जाएगा, नेट फोर्स अगर तुम देखोगे तो ऑब्वियसली यही आ जाएगा 14.8 न्यूटन, या राउंड अप करोगे तो 15 न्यूटन ये आ जाएगा। दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।